हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन गोल्ड टेरेस। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम अपने गुलाब के पौधे में हार्ट प्रूनिंग कर चुके हैं और अब हम इसके बाद इसको रिपोर्ट करने वाले हैं। इसकी पुरानी मिट्टी अब निकालेंगे हम और उसके बाद हम इसे रिपोर्ट करेंगे। चलो आइए देखते हैं हमारी वीडियो। गाइस आप देख रहे हैं, जैसे कि अब हम पौधे में से अपनी मिट्टी निकालने ही वाले हैं। अब इसकी सारी पुरानी मिट्टी निकाल के हम इस गुलाब के पौधे को, इसकी रूट्स को कट करके एक पानी में रख देंगे जिसमें हम थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट मिलाएंगे। और जैसे ही सारी पुरानी मिट्टी इसकी निकल जाएगी, हम उस पानी मिट्टी में थोड़ी सी पुरानी खाद मिलाएंगे जो कि गाय के गोबर की सड़ी हुई खाद होती है। और बाकी आप छोटी मोटी चीज़ें मिला सकते हैं, जैसे कि बोन मिल, नीम की खली, ये सब चीज़ें फंगस से बचाती है। और बोन मिल जो होता है वो हमारा फ्लावर्स आने में बहुत मदद करता है। और गाइस ये हमने सारी पुरानी गोबर की खाद मिला दी है पुरानी मिट्टी में। हम इसी मिट्टी को फिर से एक तरीके से हम रीजनरेट कर रहे हैं। अब इसे आप मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मिट्टी में हमेशा खाद मिलाना बहुत ज़रूरी है, वरना पुरानी मिट्टी में आप फिर से गुलाब का पौधा लगा ही नहीं सकते। पुरानी मिट्टी में लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका पौधा दो चार पत्तियां नहीं ग्रोथ करेगा, एक एक आध फूल आ जाएगा बस, इससे ज़्यादा वो फिर से ब्लॉसम अच्छा खासा नहीं करेगा। अब ये सारी मिट्टी में हम खाद मिला चुके हैं अपनी गोबर की खाद, अब हम इसे पॉट में फिल करेंगे। पहले सबसे पहले होल्स पर आप कुछ ड्रेनेज होल पर अच्छे से पत्थर डाल लीजिए, कुछ भी आपके पास जो भी है, ड्रेनेज होल को कवर कर दीजिए जिससे उसमें मिट्टी भर ना जाए और छेद को ब्लॉक ना कर ले। अब हम पुरानी मिट्टी को भरेंगे नई खाद के साथ। अब हम एप्सम सॉल्ट के पानी से निकाल के अपने रोज प्लांट को लगा रहे हैं। रोज प्लांट को लगा दीजिए अच्छे से, इसकी जड़ें काटना मत भूलिए क्योंकि नई ग्रोथ के लिए कुछ पुरानी जड़ों को काटना ही पड़ता है। और इसके बाद इसको अच्छे से मिट्टी से खाद से कवर कर दीजिए। और फिर कवर करने के बाद इसको कुछ दिनों के लिए, आपको एक हफ्ते तक कम से कम शेड में रखना पड़ेगा जहाँ इस पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, जिससे कि इसकी न्यू ग्रोथ हो जाए और पुरानी मिट्टी पे सीधा धूप ना पड़े। और यहाँ हमारा रोज प्लांट तैयार है। अब हम आपको इसके 45 दिन बाद का रिजल्ट। गाइस ये देखिए, हमारे 45 दिन बाद रोज प्लांट पे इतनी लीव्स आ चुकी है, फ्लावर बड्स आ चुके हैं, इसके एक बार हम फुल हार्वेस्ट भी कर चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।